कैनेडा ते ऑस्ट्रेलिया वर्गे देशों दे विच अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों दे दाखले दे उपर काफी ज्यादा सख्ताई कर दी गई है ते इसे दे चलदे हुण इन्हां देशों दे नाल नाल न्यूजीलैंड ने भी एक बार सख्ताई कर दी है। न्यूजीलैंड इमीग्रेशन दे वल्लों भी सख्ताई करदिआं साल 2024 शुरू होए नूं 3 महीने हो चुके ने ते 3 महीनों दे अंदर अंदर 49% अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों दे स्टडी वीजे रद्द कर दिते गए ने। आओ जानदे हां पूरी खबर। भारत तो वड्डी गिनती दे विच अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी बाहरले मुल्कां दे विच अपने चंगे भविख अते पढ़ाई करन दे लई पहुंचदे हन, पर कैनेडा ते ऑस्ट्रेलिया वर्गे देशां दे विच अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों दे दाखले दे उत्ते रोक लगाउण दे लई कई तरह दीआं पाबंदियां लगाईआं जा रहीआं ने। इसे दरमियान हुण न्यूजीलैंड वल्लों भी अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों नूं इक वड्डा झटका दे दित्ता गया। इमीग्रेशन न्यूजीलैंड ने साल 2024 दे पहले 3 महीनों दौरान इमीग्रेशन ने इंडिया नाल संबंधित स्टडी वीजे वास्ते आईआं 49% एप्लीकेशनां रद्द कर दित्तियां। इस तरह करन नाल न्यूजीलैंड विच स्टडी करन दे चाहवान हजारां स्टूडेंट्स दा सुपना टुट गया है। दरअसल पिछले कुछ समय दौरान जाली दस्तावेजा राही स्टडी वीजे हासिल करने वाले कई केस सामने आए सन, जिस दे चलदिआं इमीग्रेशन वल्लों सख्ताई कर दित्ती गई है ते इह सख्ताई ज्यादातर भारत दे अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों दे लई ही कीती गई है। साल 2024 दे पहले 3 महीनों दौरान इंडिया तो 2694 दे करीब विद्यार्थियों ने स्टडी वीजा अप्लाई कीता सी, जिन्हां दे विच्चों 49% एप्लीकेशनस रद्द कर दित्तियां गईआं। हालांकि नेपाल, पाकिस्तान ते बंगलादेश तो भी कई एप्लीकेशनस आईआं सन ते उन्हां दी रद्द करन दी दर इंडिया नालों भी वधेरे आ। पर चाइना दी जेकर गल करिए तां चाइना तो अप्लाई कीतियां गईआं स्टडी वीजा एप्लीकेशनस दे विच्चों सिर्फ 3.5% ही रद्द कीतियां गईआं। दस दिए कि प्राइवेट कॉलेजां अते पॉलीटेक्निक अदारियां नाल संबंधित ज़्यादातर एप्लीकेशनस रद्द कर दित्तियां गईआं। यूनिवर्सिटी दीआं ऑफर वालियां एप्लीकेशनस सिर्फ 5% ही रद्द कर दित्तियां गईआं ने, जदके प्राइवेट कॉलेजां अते पॉलीटेक्निक अदारियां नाल संबंधित ज़्यादातर एप्लीकेशनस नूं रद्द कीता जा रहा है। इमीग्रेशन एडवाइजर अनिमा ढिंगरा का कहना है कि पिछले साल सितंबर तो लैके इस साल फरवरी तक इंडिया के नाल संबंधित 57% एप्लीकेशनस रद्द हुई सन, जदों कि उन्होंने 87% स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी विच पढ़ाई दे लई अप्लाई किया। उन्हें कहा कि पिछले समय के दौरान जालसाजी वाले केस सामने आए सन, जिसके चलदे न्यूजीलैंड की इमीग्रेशन के वलों यह फैसला लिया गया है ते भारत के अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों नूं यह वड्डा झटका दिता गया है। पर इमीग्रेशन नूं अपनी पॉलिसी सही करनी चाहिए है, क्योंकि सचमुच स्टडी वीजा हासिल करके न्यूजीलैंड विच पढ़ाई करन दे चाहवान इंडियन स्टूडेंट्स का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। साल 2024 की शुरुआत तो हुण तक 49% स्टूडेंट वीजे रद्द कर दिते गए हैं, जिदा करके जिन्हों बच्चों का सुपना से कि न्यूजीलैंड जाके पढ़ाई करनी है तो अपना चंगा भविख बनाना है, उन्होंने बहुत नुकसान झलना पै रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हमदर्द टीवी।